ऐसे ही बच्चों के कारण कई बार गलतफहमी कैसे होती है, बच्चों की वजह से पति बेचारा थका मांदा घर पहुंचा अपने ऑफिस से, पता अपनी पत्नी को बोला, अरे भाग्यवान पता आज क्या हुआ, आज मैं ऑफिस से आ रहा था, रास्ते में मैंने एक वो कथा, उतने में बच्चा आ गया, मुझे कल स्पोर्ट्स डे हमारे स्कूल में, मुझे नए शूज चाहिए, टीचर ने कहा शूज पहन के नहीं आओगे तो तुम्हें स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। तो बोले ठीक है बेटा अभी तुम निकलो, पापा की बात सुनने दो, उसके बाद में आप बात करते हैं। बोले ठीक है मम्मी, चला गया। फिर बोला हाँ भाग्यवान एक्चुअली क्या हुआ, मैं रास्ते से चला आ रहा था, ऑफिस से आ रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा कि गधा उसकी पीठ पे इतना बड़ा बोझा रखा हुआ था, उतने में उसकी बच्ची आ गई, मम्मी 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 कल हमारे स्कूल में डिक्टेशन है, मुझे एक डिक्टेशन लिखवाई है, और पापा से बोली डिक्टेशन लिख करके दे वरना टीचर मुझे स्कूल में घुसने नहीं देंगे। बोले बेटा देख साइड में निकल ले, अभी मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, पापा की बात सुनने दे, उसके बाद में बात करेंगे अपन। चलिए बच्ची को साइड में कर दिया, बच्ची चली गई। उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी बात शुरू की, देखिए देखो भाग्यवान क्या हुआ कि मैं रास्ते से ऑफिस से चला आ रहा था, तो रास्ते में गधा था, उसके पास इतना बड़ा बोझा था और साथ में आदमी खड़ा था, उतने में उनका तीसरा बच्चा गया, बाबा 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 और रामू ने मेरी पेंसिल छीन ली, मैं पढ़ाई कर रहा था लिख रहा था और उसने मेरी पेंसिल छीन ली। माँ की धैर्य की सीमा नहीं रही, माँ की धैर्य की सीमा नहीं रही, गुस्सा आ गया उनको, चिल्लाकर बोली चल पहले गधे की बात सुनने दे,